गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है विश्वकर्मा पूजा। सो हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू यू ऑल एंड योर फैमिली। और अभी सुबह के टाइम पे अच्छे से नहा धो के फ्रेश होके मैं और सौरभ कहाँ गया यहाँ चला गया है। मैं और सौरभ हम दोनों आ गए हैं हमारे बेसमेंट में, क्योंकि गाड़ी को और स्कूटी को दोनों को ही आज थोड़ा पूजा करना होता है ना विश्वकर्मा पूजा के दिन। लास्ट ईयर मुझे याद है कि सिर्फ हम लोग स्कूटी को पूजा किए थे, मतलब हर साल सिर्फ स्कूटी को ही पूजा करते थे। अभी इस साल हमारा नया फैमिली मेम्बर यहाँ पे आ गया है, तो इसको भी इस साल हमें पूजा करना है। तो फ्लावर ना आज सुबह के टाइम पे सौरभ मार्केट से लेके आना भूल गया था। वो गया तो था मार्केट सुबह कुछ काम से, मैंने उसको फ्लावर बोल भी दिया था लेकिन वो लेके आना भूल गया था। सो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे देख ही सकते हो दीपक भैया के बगीचा में काफ़ी सारे गेंदे का पौधा है और काफ़ी सारे फूल भी लगी है। यू कैन सी, ये देखिए बहुत सारा है। तो मैंने सोचा कि और दोबारा मार्केट जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से थोड़ा फूल तोड़ लेते हैं। गेंदा फूल है, इसी से ही पूजा कर लेंगे। और यहाँ पे ना काठकौड़ोवी भी है, मैं हमेशा लेके जाती हूँ ना दीपक भैया के घर के यहाँ से। सो ये है काठकौड़ोवी, तो काठकौड़ोवी भी थोड़ा सा उठा लेंगे तो हो जाएगा। साउथ इंडियन लोगों का मुझे लगता है विश्वकर्मा पूजा नहीं है, ये सिर्फ बंगाली लोगों का ही है। क्योंकि देखिए बेसमेंट में इतने सारे गाड़ी है लेकिन एक में भी पूजा नहीं किया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे एक बाइक लगा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बस फूल यहाँ पे रखा हुआ है और कोई भी गाड़ी पे पूजा वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद इन लोगों को विश्वकर्मा पूजा के बारे में पता नहीं है। बेसमेंट में इतनी अच्छी हवा चलती है ना कि बहुत सुंदर लगता है। और ना हमारे बेसमेंट में बहुत सारे हिबिस्कस का भी पौधा है, यूजुअली बहुत सारे हिबिस्कस लगता भी है लेकिन आज देख रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक ही रेड कलर का थोका जवा यानी थोका हिबिस्कस लगी है और यहाँ पे एक पिंक कलर का है, इसमें कली है बड़ा बड़ा लेकिन एक भी फूल आज आई नहीं है। तो चलिए दीपक भैया को मैंने पूछ लिया है, ये वाला रेड हिबिस्कस जो है इसको भी उठा लेते हैं और थोड़ा सा गेंदा उठा लेते हैं, काठकौड़ भी उठा लेते हैं और इसी से ही सौरभ पूजा कर लेगा। सौरभ का भी एक कॉल आया है तो अभी वो यहाँ पे पूजा का सामान सब कुछ हाथ में पकड़ के ही फ़ोन पे बात कर रहा है। एक बार उसका हो जाएगा बात करना, उसके बाद हम लोग करेंगे पूजा और उसके बाद फिर सौरभ को जाना है हॉस्पिटल भी, इसलिए और भी जल्दीबाजी में ना आज हम लोग सुबह के टाइम से सब कुछ कर रहे हैं। बेसमेंट में दिया और अगरबत्ती जलाना तो जैसे एक टास्क है, क्योंकि हमेशा इतना ज़्यादा हवा रहती है ना जिस वजह से अगरबत्ती दिया कुछ जलता ही नहीं है। लास्ट टाइम तो दिया ले आके बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, जल ही नहीं रहा था, मतलब बार बार हम लोग जला रहे हैं बार बार बुझ जा रहा था। इसलिए इस बार हम लोग दिया नीचे लेके ही नहीं आए, सिर्फ अगरबत्ती ही लेके आए हैं। सौरभ सिर्फ अगरबत्ती से ही इस बार पूजा वो कर रहा है, यहाँ पे कुछ मंत्र वगैरह वो सब कुछ चल रहा है। स्कूटी में भी दिखा दिया ना, हाँ ठीक है, हाँ यहीं पर रख दो, और तो कहीं पर अगरबत्ती रखने का जगह है नहीं, तो सिर्फ अगरबत्ती से ही इस बार हम लोग काम चला रहे हैं और क्या ही कर सकते हैं। चलो फूल दे दो थोड़ा सा, बस हो जाएगा। अच्छे से पूजा होता लेकिन चलो फ्लावर मिल गया इतना ही काफ़ी है। और आज ना सच में बहुत सारा फ्लावर था, तो यहाँ पे तो स्कूटी में गाड़ी में दोनों में ही पूजा देना हो गया है। फ्लावर भी डाल दिया है और थोड़ा सा फ्लावर बचा के लेके जा रहे हैं ऊपर। सौरभ ने तो वैसे घर का पूजा कर लिया है, नहा धो के घर का पूजा करके ही फिर हम लोग बेसमेंट में आए थे गाड़ी पूजा करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जॉबा भी मिल गई है ना, तो सौरभ बोल रहे हैं कि ऊपर जाके, हाँ अच्छा अभी यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, सॉरी, इसी वजह से ना मुझे गाली पड़ती है। तो सौरभ ने बोला कि चलो थोड़ा सा फूल जब बच गया है तो ऊपर जाके तो भगवान को भी थोड़ा सा चढ़ा देते हैं। ये देखिए चाबी,
कार के ऊपर ही रख के मैं भूल गई थी। सावधान से कूदो तुम। तुम ही सावधान जाओ और खा लेना कुछ। चलो बाय बाय, सी यू टुमारो। जल खेते थे को ठीक है, पूछे हमें एक टू मैसेज कर दियो। सौरभ जाता है ना, जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचता मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, इसलिए मैं उसको डेली बोलती हूँ कि तुम हॉस्पिटल पहुंच के ही पहले ही मुझे एक टेक्स्ट कर देना या तो फिर कॉल कर देना, क्योंकि वो खुद भी टेंशन में है ना अभी इस टाइम पे, मतलब आप सोच ही सकते हो, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा टेंशन में लगता है। चलो मैं गेट बंद कर देती हूँ। पानी का बॉटल ले लिया ना, मास्क सैनिटाइज़र, ठीक है चलो बाय। कल से ना मेरा भी थोड़ा सा तबीयत खराब है। एक्चुअली उस दिन तो हम लोग डॉक्टर को रिपोर्ट वगैरह सब कुछ दिखा के आए हैं, लेकिन आप लोगों को अपडेट देना ही भूल गए हैं। तो हीमोग्लोबिन ना मेरे अंदर इतना ज़्यादा कम हो गया है कि डॉक्टर से तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है, और ऊपर से सौरभ से भी। सौरभ तो ये सारा मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है डांटने का। हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12-15 के अंदर और मेरा है 9 ओनली। तो डॉक्टर ने भी बहुत डांटा है कि आप खाना पीना नहीं करते हो क्या। तो मैंने बोला मैं तो खाती सब कुछ हूँ, लेकिन फ्रूट्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो डॉक्टर ने इस चीज़ के ऊपर मुझे बहुत डांटा है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए, नॉनवेज भी साथ में खाना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर बाकी के बहुत सारे डिफिशियंसीज भी है, लाइक आयरन की कमी है, वाइटामिन B12, D3, ABCD, मतलब A to Z सब कुछ डिफिशियंसी है, और थायराइड भी लास्ट टाइम से थोड़ा सा बढ़ गया है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुझे डॉक्टर से डांट पड़ी है। तो मुझे ना लास्ट कुछ दिन से बहुत वीक सा फील हो रहा था, लाइक मैं अगर बैठी रह रही हूँ ना तो भी मुझे चक्कर आ रहा है। लेट रही हूँ तो फिर ठीक है, अदरवाइज बैठे रहने से मुझे चक्कर आ रहा था। तो डॉक्टर ने बोला है कि वीकनेस के वजह से ही और कुछ नहीं। तो कल से इतना अच्छा नहीं लग रहा था तबीयत वगैरह। आज सौरभ हॉस्पिटल में ही लंच करेगा, क्योंकि एक तो आज वो बहुत सुबह सुबह निकल गया है, इतना सुबह सुबह मैं खाना नहीं बना पाई। उठ तो गई थी बहुत जल्दी सुबह के टाइम पे, लेकिन कुछ मन ही नहीं हुआ, मतलब बॉडी परमिट ही नहीं किया। तो सौरभ ने बोला कि तुम अभी 2 दिन थोड़ा सा रेस्ट ले लो, उसके बाद फिर तुम दोबारा किचन में आना। तो मैंने आज खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है। सौरभ तो 11 बजे के आसपास घर से निकल गया है ना, तो ब्रेकफास्ट वो घर से करके गया है। सौरभ इडली चटनी सांभर और वड़ा लेके आया था मार्केट से, तो ब्रेकफास्ट में आज हम लोगों ने वही खा लिए हैं। और फिर पूजा वूजा करके सौरभ निकल गया हॉस्पिटल के लिए, तो वो लंच हॉस्पिटल में ही कर लेगा। और मैंने ना यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो बंगाली रेस्टोरेंट है ना मामा बाड़ी, जहाँ से मैं ऑर्डर करती हूँ, तो वहीं से ही मैंने लंच ऑर्डर कर दिया था, जो कि अभी आ भी गया है। तो इसको अभी डाल लेती हूँ प्लेट में, भूख लग गई है। बाप रे, बहुत ज़्यादा राइस दिया है गाइस। तो ये है राइस, ये है आलू भिंडी फ्राई, ये है मूंग का दाल, और यहाँ पे है कतला मछली का कालिया, और देखिए फिश का साइज़ भी ना काफ़ी बड़ा है। इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं गादर पीस, तो ये गादा है। और यहाँ पे है आलू फूलगोभी का एक सब्ज़ी, थोड़ा सा इसमें भी ग्रेवी है। और ये रहा पिकल अचार, ये तो मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ। तो ये है मेरा थाली, और देखिए यहाँ पे ना काफ़ी सारा राइस है, इतना सारा राइस दिया था ना कि मैं खा नहीं पाऊँगी इतना, तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ऑलरेडी उठा के रख दिया है। इवन थाली में भी अभी तक मेरा राइस काफ़ी ज़्यादा है, मैं इतना एक्चुअली क्वांटिटी में खाती नहीं हूँ, इससे थोड़ा कम खाती हूँ, लेकिन इतने सारे डिशेस हैं ना, भाजी दाल सब्ज़ी मछली, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा खा ही लिया जाए। वैसे भी मुझे डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा ज़्यादा करके खाना पीना करने के लिए, मैं सोच रही हूँ कि कहाँ मैं थोड़ा सा वेट लॉस करूँगी, उस चक्कर में मैं खाना इतना कम कर रही हूँ, और ऊपर से डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं आपको ढेर सारा खाना है, नहीं तो फिर आपके बॉडी में वो प्रॉपर सब कुछ डिफिशियंसी ना वो कवर नहीं होगा। हाँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उल्टा पुल्टा कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं है, हेल्दी खाना ही खाने के लिए बोले हैं डॉक्टर ने। लेकिन आज ना बिल्कुल भी मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है ना, मेरे सकल से ही पता चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आउटसोर्स ही कर लेते हैं, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और वैसे भी देखिए अभी पूजा का सीज़न तो चल ही रहा है ना, विश्वकर्मा पूजा है वेस्ट बंगाल में ना, विश्वकर्मा पूजा में लोग कितने अच्छे अच्छे नॉनवेज वगैरह मटन ये सब कुछ ना बना के वहाँ पे सारे सब लोग पिकनिक करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरा भी आज एक मछली थाली बनता ही है ना, तो मछली थाली मैंने ऑर्डर कर लिया था। चलिए, भूख काफ़ी ज़्यादा लग गई है, फटाफट से लंच कर लेते हैं। हाँ, सौरभ को थोड़ा सा मिस करूँगी डेफिनेटली, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि उसको ना मछली खाना इतना ज़्यादा पसंद है। और हॉस्पिटल में ना, ये हॉस्पिटल में अंडे के अलावा और कुछ भी मिलता नहीं है, मतलब चिकन मटन फिश कुछ भी वहाँ पे मिलता नहीं है, तो अंडा ही वो खा के बेचारा इतने दिन से रह रहा है। कल वो हॉस्पिटल से घर आएगा ना, तो सोच रही हूँ कि कल मैं कुछ अच्छा खासा उसके लिए बनाऊँगी अगर मेरा तबीयत ठीक रहे तो। चलिए लंच कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये है रोज़ पेटल्स, पिंक और रेड रोज़ का पेटल्स है ये मेरा नहीं है, जोस्ना का है। जोस्ना इसका कुछ
कुछ फेस पैक बनाती है रोज़ पेटल्स को ना अच्छे से धूप में सुखा के, फिर इसको पेस्ट बना के और भी कुछ कुछ वो इसमें डालती है और फिर फेस पैक बना के वो अप्लाई करती है। उसके घर पे ना धूप थोड़ा कम आती है, इसलिए ये मुझे 2-4 दिन पहले ही वो देके गई थी, क्योंकि हमारे घर पे तो काफ़ी धूप आती है ना, स्पेशली बालकनी में। तो उसने मुझे बोला था कि ये तुम्हारे घर पर रख दो, थोड़ा थोड़ा करके डेली सुबह के टाइम पर धूप में डालना, सूखने के बाद वो आके लेके जाएगी। तो सुबह के टाइम से तो धूप बहुत ही अच्छा खासा था। अभी देखिए आसमान तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन हल्की हल्की सी बादल जमा हो रही है, और ये ना शाम के टाइम पे ही यानी दोपहर के बाद से ही ना बारिश स्टार्ट हो जाती है। इसलिए रिस्क लेके कोई फ़ायदा नहीं है, इनकेस अगर मैं अंदर सो जाती हूँ ना तो फिर मुझे पता भी नहीं चलेगा और सारे पेटल्स जो है वो भीग जाएंगे। इसलिए अभी इसको अंदर ही रख देते हैं रूम के अंदर, दोबारा इसको कल सुबह के टाइम पे डालूंगी। वैसे देखिए काफ़ी हद तक ना ये हो ही गया है ड्राई, बस थोड़ा सा और होना बाकी है। गुड इवनिंग एवरीवन, अभी टाइम हो रही है शाम के 6:15 और बैंगलोर में ना काफ़ी टाइम तक सनलाइट रहती है, तो आप देख सकते हो अभी भी बाहर इतना ज़्यादा सनलाइट है। यूजुअली वेस्ट बंगाल में तो इतने टाइम तक अंधेरा ऑलमोस्ट होना स्टार्ट ही हो जाता है, तो हमारे मम्मी लोग तो 6-6:30 बजे तक शाम का पूजा जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ना 7 बजे के बाद से थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना स्टार्ट होता है, 7:30 बजे तक कंप्लीटली अंधेरा हो जाता है। तो मैं वही लगभग 6:45 या 7 बजे तक मैं शाम का पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप भी ऑन करने के लिए बिठा दिया था, जो कि अभी ऑन हो गया है। मेरा कुछ काम पेंडिंग है तो वो सारा सब कुछ काम कर लूँगी, और साथ में यहाँ पे सौरभ का, डॉक्टर का, दोनों का ही डाइट मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो यहाँ पे एप्पल मैंने काट लिया था, आधा ऑलरेडी खाना हो गया है, जब तक मैं लैपटॉप ऑन करने के लिए बिठा रही थी ना उस टाइम पे मैंने आधा एप्पल खा लिया है, अभी यहाँ पे आधा बचा हुआ है जो कि मैं अभी खाऊंगी। सौरभ ना घर पे इतना सारा फ्रूट्स ले आके एकदम से भर दिया है, बोला है कि मैं हॉस्पिटल में रहूँ घर पे रहूँ जहाँ पे भी रहूँ तुमको हर रोज शाम के टाइम पे एक फ्रूट पूरा खाना ही है, इसलिए आजकल मैं शाम के टाइम पे थोड़ा फ्रूट्स ही खा रही हूँ। वैसे भी मतलब सौरभ अगर नहीं होता है ना तो मैं अकेला चाय या कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, आप लोगों को तो पता ही है मैं इतना ज़्यादा टी और कॉफ़ी लवर हूँ नहीं, और वो भी अकेला के लिए तो बना के मैं कभी नहीं पीऊंगी। सो दैट्स बेटर कि उस टाइम पे थोड़ा सा फ्रूट्स खाया जाए। नीचे जाऊंगी एक बार शाम का पूजा जब घर पे करूंगी ना उसी टाइम पे नीचे भी एक बार जाऊंगी गाड़ी को और एक बार पूजा करके आऊंगी, मतलब हम लोग ऐसे ही करते, 2 बार करते हैं। तो दीपक भैया तो सुबह के टाइम पे बहुत ही अच्छे से गाड़ी वाड़ी सब कुछ साफ कर दिया था। एक्चुअली दीपक भैया ही डेली हमारे बेसमेंट में जितने सारे गाड़ी रहते हैं ना, स्कूटी, बाइक और 4-व्हीलर, सब कुछ दीपक भैया ही सबका साफ करते हैं। तो उसके लिए हाँ डेफिनेटली हम लोग उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, वो हमारे मेंटेनेंस या तो फिर रेंट के साथ इंक्लूड नहीं है, वो हम लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो लेकिन हर रोज़ दीपक भैया क्लीन करके रखते हैं, इसलिए हमारा गाड़ी क्लीन करने का जो झमेला है वो नहीं है। हम लोग बस आराम से गाड़ी लेके निकल जाते हैं, ले आके बेसमेंट में दोबारा पार्क कर देते हैं, नेक्स्ट दिन मॉर्निंग दीपक भैया बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो चलिए मैं अभी अपना काम भी निपट लेती हूँ और साथ में ये एप्पल भी ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं कुछ देर बाद। तो यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ डिनर, सरसों के तेल में आलू मोटा मोटा करके मैंने डाल दिया है और इसको अभी फ्राई होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो मोटा मोटा आलू काटना देख के ही शायद आप लोगों को तो थोड़ा सा अंदाज़ा लग ही गया है कि क्या बना रही हूँ। जी हाँ, आज बना रही हूँ कुछ नॉनवेज, काफ़ी दिन बाद मैं आज इवन मटन बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कटिंग चॉपिंग कर ली है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, और ये रहा मटन, और ये रहा चावल, चावल बनाऊँगी तो चावल को भी मैंने यहाँ पर भिगो दिया है। एक्चुअली आज है नेक्स्ट डे इवनिंग, कल तो जैसे मैंने वो लैपटॉप पे कुछ एडिटिंग वगैरह का काम मैं कर रही थी उसके बाद और मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, थोड़ा सा तबीयत भी खराब लग रहा था, दवाई लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रही थी, तो कल मैं बहुत जल्दी सो भी गई थी। तो सुबह के टाइम पे भी उठ के मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट करूंगी और फिर मन भी नहीं हुआ। तो सौरभ आया है आज हॉस्पिटल से शाम के 7 बजे, आके घर पे आके नहा के थोड़ा चाय वाय पी के फिर दोबारा वो चला गया था मार्केट, बोला कि जरूर को थोड़ा सा कुछ मटन वटन लेके आता, वो काफ़ी दिन से कुछ नॉनवेज नहीं खाया, तो मैंने भी बोला कि ठीक है चलो लेके आओ, मेरा भी काफ़ी दिन से खाना नहीं हुआ है, क्योंकि वो घर पे नहीं रहता है ना तो मुझे अकेला कुछ बना के खाने का मन भी नहीं होता है, तो इसलिए अभी रात के टाइम पे मटन और गर्मा गर्म चावल बना रही हूँ। तो देखिए आलू तो मैंने यहाँ पे फ्राई करके निकाल लिया है और अभी यहाँ पे बना रही हूँ मैं इसका ग्रेवी का मतलब मसाला। तो सरसों के तेल में तेज़पत्ता और जो खड़े गर्म मसाले होते हैं वो मैंने डाल दिया था, उसके बाद चॉप किया हुआ प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर और ड्राई स्पाइसेस जो होता है नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर, सब कुछ डाल के अभी मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ। और हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाल दिया था और अभी यहाँ पे मैं डाल दूँगी अच्छे से वॉश किया हुआ मटर और एक साथ ना इसको बहुत अच्छे से चला लूँगी और उसके बाद इसको प्रेशर कुक करूँगी, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई है ना, अभी ऑलमोस्ट 8 बजने को है और मटन तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको अगर मैं कढ़ाई में धीरे धीरे स्लो कुक करना चाहूँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए इसको थोड़ी देर के लिए कढ़ाई में अच्छे से चला लेते हैं, जिसको कौशानू बोलते हैं बंगाली में। थोड़ी देर कौशानू के बाद फिर इसमें मैं थोड़ी सी पानी डाल दूँगी और प्रेशर कुक कर लूँगी, और चावल तो जैसे जल्दी बन ही जाता है तो चावल का तो कोई टेंशन है नहीं,
मटन आज लेकिन बहुत बढ़िया दिया है, पीसेस भी बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन एक दुख की बात है लेग पीस को काट दिया है। ये देखिए लेग पीस को छोटा बना दिया है और लीवर भी उनके पास ख़त्म हो गया था तो लीवर नहीं दिया है। यही दो दुख भरी बात मैंने आप लोगों से शेयर की है, अदरवाइज़ मटन का क्वालिटी भी आज काफ़ी अच्छा है, पीसेस भी काफ़ी अच्छे किए हैं। तो चलिए अभी इसको अच्छे से चला लेते हैं, और भी जल्दीबाजी कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मटन मुझे थोड़ा सा ना जोशना को भी भेजना है। एक तो उसका इतने सारे डब्बा मेरे पास आ गया था, कल भी ना रात के टाइम पे मैंने कुछ डिनर नहीं बनाया, कल रात को जोशना पोंगल बनाई थी, पोंगल और पीनट चटनी, तो उसने मुझे बोला कि अकेला हो क्या ही और डिनर बनाओगे अकेले के लिए, तो मैं पोंगल बना रही हूँ तुमको मैं देके जाऊँगी। तो वो आई थी रात को 9 बजे के आसपास, फिर आके मुझे पोंगल और पीनट चटनी देके गई थी, तो कल मैं डिनर में वही खाई थी। और एक 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 करके ना उसका काफ़ी सारा डब्बा मेरे घर पर जमा ही होता जा रहा है। तो फिर एक्चुअली पहले से कुछ प्लान नहीं था कि आज मटन बनेगा, तो फिर सौरभ ने अचानक से मुझे बोला कि मटन लेके आता हूँ, तो जोशना को भी इन्फॉर्म कर दो, उसको भी थोड़ा सा भेजना, उसके इतने सारे डब्बे हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, फिर मैंने उसको कॉल किया, चलिए फटाफट से बनाते हैं, बना के उसको देके आते हैं और हम लोग भी डिनर कर लेते हैं। तो ये हमारा मटन बन के रेडी हो गया है। ये है जोशना और उनके हस्बैंड के लिए, वो लोग ना ज़्यादा आलू पसंद नहीं करते हैं नॉनवेज में स्पेशली, इसलिए उन लोगों को सिर्फ 2 ही पीस मैंने यहाँ पे आलू दी है और बाकी यहाँ पे मटन है और ग्रेवी है। इतनी बढ़िया खुशबू निकल रही है ना गाइस कि मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। तो ये उन लोगों के लिए मैंने पैक कर दिया है, अब इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। और ये है हमारा मटन, काफ़ी ज़्यादा ही है, कल दोपहर को भी शायद हमारा इसी से ही हो जाएगा, सिर्फ चावल बना लेना है। और चलिए अभी जोशना को ये देख के आते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 9:45 हो रहा है, तो डिनर का टाइम तो उन लोगों का क्रॉस हो चुका है, फिर भी चलिए देख के आते हैं, उसके बाद हम लोग भी डिनर कर लेंगे। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, रात हो गई है काफ़ी और मटन तो जस्ट वाओ, क्या ही बोलूँ इसके बारे में। तो चलिए कल मिलेंगे और एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।